वंदे मातरम स्टूडेंट्स तो बच्चों आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर टू का लास्ट पार्ट करने वाले हैं और लास्ट पार्ट में आज हम राइटिंग यानी कुछ लिखने वाले हैं तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं ए आई कैन राइट द नेम्स ऑफ दिस शेप्स आई कैन राइट द नेम्स ऑफ दिस शेप्स यहाँ पर बहुत सारे शेप्स के नेम दिए गए हैं और मैं ये शेप्स के नेम लिख सकती हूँ लिख सकते हो आप भी और आप शेप्स सोच सकते हो बच्चों तो चलो हम हमारे दिमाग में वो शेप्स बनाते हैं सर्कल सर्कल कैसा होता है राउंड होता है ओवल ओवल कैसा होता है बच्चों वो कैसा होता है इस तरीके से राउंड होता है इस तरीके का होता है ट्राइंगल ट्राइंगल तो सभी को पता है इस तरीके का होता है स्क्वायर इस तरीके का होता है फिर रेक्टेंगल इस तरीके का होता है है ना बच्चों अभी पीछे देखते हैं कि क्या है पीछे यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको शेप्स दिख रहे हैं यस yes, तो यहाँ पर अभी शेप्स दिए गए हैं आगे हमें शेप्स के नेम दिए थे तो अभी क्या करना है यहाँ पर हमें कर रहे एक शेप्स ढूंढने हैं और उस पे हमें वो कौन सा शेप है वो लिखना है तो बच्चों ये जो फर्स्ट शेप है वो कौन सा हुआ वो हुआ रेक्टेंगल क्या हुआ बच्चों रेक्टेंगल तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल लिखते हैं चलो लिखते हैं बच्चों आर ई C T A N G L E रैक्टेंगल क्या हुआ रेक्टेंगल अभी दूसरा शेप है वो कौन सा शेप है वो है सर्कल तो अब यहाँ पर हम सर्कल लिखते हैं C I R C L E सर्कल बच्चों ये कौन सा शेप हुआ ये हुआ ओवल क्या हुआ ओवल तो हम यहाँ पर इस तरीके से ओवल लिखते हैं देखो बच्चों इस तरीके से ओ वी ए एल ओवल ओ वी एल ओवल बच्चों अभी ये वाला शेप देखते हैं तो ये वाला शेप कौन सा है ये है ट्राइंगल क्या है बच्चों ट्राइंगल तो यहाँ पर हमें ट्राइंगल लिखना है टी आर आई ए एन जी एल ई एन जी एल ई ट्राइंगल बच्चों ये वाला शेप कौन सा है ये वाला है स्क्वायर क्या है वाला शेप कौन सा हुआ ये वाला शेप कौन सा हुआ, हुआ बच्चों ये हुआ स्क्वायर तो बच्चों यहां पर हम स्क्वायर का स्पेलिंग लिखते हैं एस क्यू -क्य। यू ए आर ई स्क्वायर एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर ओके बच्चों ये शेप सभी को समझ में आया चलो अभी अगला देखते हैं कि क्या है चलो रीड करें बच्चों स्टोरी स्किल्स स्टडी स्किल्स ए लेट्स काउंट द caterpillar circle सर्कल ऑन caterpillar अभी सबसे क्या पहले क्या करना है हमें यहाँ पर जो कैटर पिलर है वो हमें देखना है क्या देखना है कैटर पिलर है वो देखना है और उसमें क्या करना है चलो देखते हैं कलर द कैटर पिलर विद द डिफरेंट कलर्स एंड द नंबर्स द सर्कल अभी यहाँ पर जो कैटर दिया गया है बच्चों दिख रहा है वो कैटर में सर्कल्स है वो हमें काउंट करने हैं सर्कल्स है वो काउंट करने हैं और कितने सर्कल दिए गए हैं वो हमें देखने हैं और सर्कल्स को नंबर्स देने हैं और उसके बाद आपको पूरे कैटर में कलर करना है तो सबसे पहले हम सर्कल्स काउंट करते हैं कि कितने हैं तो यहाँ पर से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व कितने सर्कल्स है 12 सर्कल्स है सभी को दिखे है ना? अभी क्या करना है ये कैटर पिलर पे आपको कलर करना है ओके कैटर पिलर का ग्रीन कलर होता है तो आप ग्रीन कलर करना और उस पे तीथ पे वाइट कलर करना और आपको ये पूरे में अच्छे से कलर करना है यहाँ पर भी कलर करना है पूरी जगह पर कलर करना है अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स इन वर्ड्स अभी हमने जो नंबर्स देखे थे यहाँ पर ट्वेल्थ तक अभी वो ट्वेल्थ तक नंबर हमें यहाँ पर नेम पे लिखने हैं किस पे नेम पे चलो स्टार्ट करते हैं वन से वन ओ एन ई वन टू

Seven S S-E-V-E-N, seven eight E-I-G-H-T, G -H -T eight nine and I and E nine ten T E and ten eleven E L E V E -N eleven टी डब्ल्यू ई एल वी ट्वेल्व तो ये हुआ नंबर इन वर्ड्स ओके बच्चों ट्वेल्व तक सारे के सारे वर्ड्स के नेम हमने लिख लिए अभी आगे देखते हैं आगे क्या है चलो बच्चों देखे मेक टू एंड थ्री लेटर वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड कैटर पिलर यहाँ पर जो कैटर पिलर वर्ड है उसमें से हमें टू से लेके कर थ्री लेटर के वर्ड बनाने हैं यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं इस तरह से ए टी एट सी ए टी कैट तो इस तरीके के वर्ड्स हमें यहाँ पर बनाने होंगे चलो बच्चों स्टार्ट करें टी E ए, ए टी टी E ए, ए टी ये वर्ड बनेगा सी ए आर कार सी, ए, आर कार ए R E R A R E R -A -L -L, A L L all A L L all C A P cap C A P cap आर ए टी रैट आर ए टी रैट तो बच्चों इस तरीके के वर्ड्स बनते हैं कैटर पिलर से सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आया ना बच्चों यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज और ग्रामर क्वेश्चन स्टडी स्किल सब कुछ इस चैप्टर का कंप्लीट होता है अगला अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में देखेंगे